जिस तरह का मुद्दा है फिल्म का, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये जो मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और इस सेंसिटिव मुद्दे को लेख टंडन जी ने जो सही तरीके से न्याय दे पाए हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म हर समाज के हर तबके तक जाना चाहिए। तो इसलिए टैक्स पे की तो बात ठीक है ही, लेकिन हम सबका ये दायित्व है कि हम सब इसे हर समाज के हर व्यक्ति तक ले जाए। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म आपने देखा, कितना प्रभावित किया फिल्म, और लगता है आपको कि हाँ दिल को इसने टच किया फिल्म, और टैक्स फ्री होना चाहिए, क्या क्या कुछ कहना? मजहबे इस्लाम में जो जन्नत के रास्ते बताए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा और पहला जन्नत का रास्ता है माँ के कदमों में जन्नत है, और इस जन्नत के रास्ते को ठीक ठाक रखने के लिए खुदा ने रसूल के द्वारा कुरान शरीफ, सुन्नत और हदीस में संदेश दिया, तलाक सबसे बड़ा गुनाह है। खुदा को अगर कोई चीज ना पसंद है सबसे ज़्यादा, तो वो तलाक है और भ्रूण हत्या है। कुरान शरीफ में ट्रिपल तलाक के लिए कोई जगह नहीं है, ना कि हलाला के लिए जगह है। तलाक और ट्रिपल तलाक कुरान शरीफ, सुन्नत और हदीस के अनुसार बहुत बड़ा क्राइम माना गया है। 9 करोड़ भारतीय मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ जागृत थी, जागृत हैं और जागृत हो रही है। सरकार ने कानून बनाया और कलाकारों ने जो फिल्म बनाई है, और निर्देशक ने और लेखक ने जो इसका निर्देशन और लेखन किया है, वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। जितनी भी उसकी तारीफ की जाए उतना कम है। मुझे ये लगता है कि ये फिल्म टैक्स फ्री भी करनी चाहिए, इस फिल्म को बहुत अच्छे ढंग से रिलीज़ किया जाना चाहिए, ताकि 9 करोड़ मुस्लिम महिलाएं वह उस अत्याचार से और अन्याय से निकल सके जो गैर इस्लामिक है। जो भी ये वकालत करता है कि तलाक जायज़ है, वो सब नाजायज़ बात बोलते हैं। जो ये कहता है कि ट्रिपल तलाक हक है, वह खुदा के बेईमान हैं, रसूल के साथ भी वो धोखा करते हैं, इस्लाम उनको ठीक से मालूम नहीं है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था, तीन तलाक पे मुस्लिम पर्सनल, उनका कहना है कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में हम इसको पास नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाम के अनुसार जायज संस्था नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसी कोई संस्थाएं इस्लाम मजहब की हिफाजत करने के लिए बनानी चाहिए, इसका कोई निर्देशन नहीं है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं बनाने का निर्देशन होता, तो दुनिया के 40-42 मुस्लिम देश हैं, 100-125 देशों में मुसलमान छोटी बड़ी संख्या में रहता है। किसी भी दुनिया के देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम से कोई संस्था का गठन नहीं है। भारत के अंदर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई गठन नहीं था। इस्लाम को भारत में आए हुए आज 1300 साल से अधिक बीत रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सन 1970-75 के बीच में, जब मुसलमान कांग्रेस के सारे लोभ लालच से निकल गया और जागरूक होकर हिंदुस्तान की वफादारी की तरफ बढ़ने लगा अन्य दलों की तरफ, तब कुछ कट्टरपंथी और विदेशियों ने पॉलिटिक्स से मिलकर इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया। मैं मीडिया के द्वारा सारे देश के अंदर इस बात का सवाल करता हूँ, पिछले जो भी और 40-45 साल बीते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंदुस्तान के हित में, समाज के अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए,
या इस्लाम को अमन सलामती की और खुशबू और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, जो मुसलमान तबकों के अंदर गरीबी है, भूखमरी है, अनपढ़ता है, इसके अंदर सुधार लाने के लिए, उसको रोजगार युक्त करने के लिए कोई भी नेक काम नहीं किया है। मेरा हजारों मौलाना इमाम मौलवियों से, लाखों मुसलमानों से इंटरेक्ट हुआ है। सब ये कहते हैं कि हम एक भी ऐसा काम नहीं बता सकते जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमान हित में, इस्लाम के हित में, हिंदुस्तान के हित में और हिंदुस्तानियों के हित में किया हो, और इसलिए उसकी आवाज़ को इस्लाम की आवाज़ मानना ये इस्लाम के साथ बेईमानी है। ये मैं अपील करूँगा, गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए। जो संस्था ही इस्लाम की नज़रों में नाजायज है, उसको इस्लाम का बरखुरदार बनाना, लीडर बनाना, ये उससे भी ज़्यादा असंवैधानिक, गैर इस्लामिक कदम है। इसलिए उनकी ये राय, ये महिलाओं ने स्वीकार नहीं की। प्रश्न खड़ा होता है कि पिछले 1000 साल से अधिक से चल रहे इस जुल्म के खिलाफ महिलाओं ने बार बार इस्लामिक कोर्ट को इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार इस अत्याचार से मुक्ति की अपील की है, परंतु उनके ऊपर और अधिक अत्याचार बढ़े। उन्होंने जब कहीं रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने दुनिया के देशों की तरफ देखा तो 23 से अधिक, शायद 30 तक ऐसे मुस्लिम देश थे जिनमें ट्रिपल तलाक को नाजायज घोषित किया गया है, गैर कानूनी घोषित किया गया है, और वहाँ इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। और अल्टीमेटली वो कोर्ट में गई, कोर्ट के सब केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट में सबको अपनी अपनी दलीलें रखने की इजाज़त दी गई। अल्टीमेटली मुसलमानों ने, जो ठीक से इस्लाम जानते थे और कुरान शरीफ समझते थे और औरत की इज्जत को समझते थे, उनकी जीत हुई और महिलाओं की जीत हुई। जो कट्टरपंथी अलगाववादी थे, जो अत्याचार और अन्याय के समर्थक थे, वो पराजित हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितना भी चीखे चिल्लाए, आज 9 करोड़ मुस्लिम महिलाएं और इसके साथ साथ 2-4-5 करोड़ मुसलमान पुरुष भी ये चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक सख्त कानून जो है भारत सरकार बना रही है वो बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चंद प्रदर्शन किए, आश्चर्य ये है कि जो उन्होंने 8-10 प्रदर्शन किए, वो प्रदर्शन अगर आप उन मुस्लिम महिलाओं से पूछेंगे कि आप किसके लिए आई, तो वो सब जियारतों के लिए बुलाई गई थी कि जियारत करवाने के लिए लेकर जाएंगे, उसमें कुछ मोखटे खड़े करके, और उन्होंने ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं प्रेस से ये कहूँगा, जब ऐसी बेईमान आवाज़ उठती है, शैतान के रूप में आवाज़ उठती है, उसमें छुपे हुए शैतान को भी वो सामने प्रकट करेंगे, तो मुसलमान गुमराह नहीं होगा, देश सकते में नहीं आएगा। इसलिए लोकसभा में बन गया है, राज्यसभा में बनना चाहिए। मुझे ये लगता है चंद महिलाओं को 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधि नहीं कह सकते, जो हजारों लाखों पीड़ित महिलाएं हैं उनको कह सकते हैं। इसलिए मैंने मौलाना इमाम मौलवियों को और मुस्लिम लीडरों को अपील की है कि अच्छा ये है कि आप ऐसी तलाक पीड़ित महिलाओं के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ें, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ें। मैं 2 पॉइंट उसको सुझाता हूँ, और इस फिल्म के साथ भी उनको जोड़ा जा सकता है तो जोड़ना चाहिए। एक, आज जकात निकलेगी, ये भारत में इस समय 8000 करोड़ से अधिक की जकात आती है, इस साल और बढ़ेगी, और मुझे ये लगता है कि ये करना चाहिए कि हर मस्जिद से और दरगाह से और हर मुस्लिम संस्था से ये आवाज़ आनी चाहिए, ऐसी तलाक पीड़ित महिलाओं के ज़िंदगी सुधारने के लिए पेंशन शुरू करेंगे। मैंने सुना है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और अन्य संस्थाओं ने तलाक पीड़ित महिला पेंशन योजना प्रारंभ की है, जो 10 साल तक उनको हर महीने पेंशन देंगे, और उन्होंने 800 महिलाओं को प्रारंभ भी कर दिया है। अपील की है कि लोग उनको दें ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व किया जा सके।
उनके जाए, उनका भविष्य रौंदा नहीं जाए किसी के पैरों के नीचे, वो भी एक सुंदर भविष्य के साथ खड़े हों। तो इसलिए दूसरी योजना है बच्चों की शिक्षा सहायता योजना, उनको ड्रेस दें, बस्ता दें, कॉपी किताब पेन दें, जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे वहाँ की फीस की व्यवस्था करें ताकि उनको एक सुंदर भविष्य मिले। मैं अभी एक महीना पहले पूना में था, वहाँ पर एक बाल कल्याण, क्योंकि वो अनाथालय कहलाता था तो मैंने उनको कहा कि अनाथालयों के नाम बदलने चाहिए, उनको बाल कल्याण, बाल सुधार, बाल सक्षम गृह के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। उनको कब तक अनाथ बनाकर रखना ये अच्छा नहीं है। और वहाँ 70 बच्चों को और वहाँ की 2-3 मुस्लिम संस्थाओं ने राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में उनको बस्ता दिया, किताबें दी, कॉपियाँ दी, ज्योमेट्री बॉक्स दिया, ड्रेस वगैरह का भी उन्होंने कहा वायदा करेंगे। तो आज 1,000-2,000 बच्चों को ऐसा मिलने लगा है। मैं इस फिल्म में से ये अपील करूँगा कि यह भी एक सुधार का कदम उठाया जाए, नारी को स्वावलंबन मिले, बच्चों को सुंदर भविष्य मिले। तलाक गुनाह था, गुनाह है और गुनाह रहेगा, ये कभी भी जन्नत का रास्ता ना था, ना है, ना होगा। ये जन्नुम का रास्ता है, जन्नुम का रास्ता रहेगा और जन्नुम ही भेजेगा। मुझे लगता है फिल्म ने इस बात को बखूबी और स्थापित किया है। हो सकता है फिल्म का कुछ कट्टरपंथी लोग विरोध भी करें, कट्टरपंथियों के विरोध को इस्लामिक विरोध नहीं माना जाना चाहिए, कुरान शरीफ से विरोध नहीं माना चाहिए, रसूल के कहे मार्ग से विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यह बिल्कुल अलग से कुछ कट्टरपंथियों की अपनी सोच है जो कुरान शरीफ में, रसूल में, खुदा में भरोसा कम रखते हैं और इस्लाम के नाम पर इस देश को तोड़ने, लड़वाने, बांटने का धंधा करते हैं। आज हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान ये चाहते हैं अत्याचार समाप्त हो, समाज में सद्भाव आए। इस फिल्म से अत्याचार से मुक्ति का भी मार्ग मिलेगा और समाज के अंदर अलग अलग धर्मों के लोगों में भी एक सद्भाव आने का रास्ता खुलेगा। यह है इस फिल्म को मेरी शुभकामनाएं। फिर उसी मोड पर आपने देखा।